हिमाचल रक्षाबंधन पर HRTC बसों में महिला यात्रियों को मिलेगी मुफ्त यात्रा सुविधा। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में रक्षाबंधन पर 11 अगस्त को महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा सुविधा रहेगी। HRTC प्रबंधन ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी कर दिया है। इस पत्र के अनुसार महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदेश के अंदर चलने वाली बसों में ही मिलेगी। महिला यात्री रक्षाबंधन में गुरुवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगे। भवन निर्माण का एक बार पास नक्शा अब हमेशा के लिए माने, जबरन धर्मांतरण पर 1,00,000 जुर्माना। हिमाचल प्रदेश में अब एक बार भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करवाने के बाद हमेशा के लिए मान्य होगा। नक्शा पास करवाने के बाद अब कभी भी भवन का निर्माण किया जा सकेगा। इनमें व्यावसायिक भवनों के नक्शे भी शामिल होंगे। इसके अलावा अब जबरन धर्मांतरण पर 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। बुधवार को विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दोनों संशोधन विधेयकों के ड्राफ्टों को मंजूरी दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश के मंदिरों में उमड़ रही भीड़ बढ़ा रही चिंता। मास्क अनिवार्य पर नहीं हो रहा पालन। हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मंदिरों में भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है, जिससे खतरा बढ़ गया है। मंदिरों में स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन एहतियात रखने के लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सख्त नियम सरकार व प्रशासन की तरफ से लागू नहीं किए गए हैं। 2 गज की दूरी, मास्क पहना और बार बार हाथों को धोना, ये सब अपनी एहतियात के लिए जरूरी है। प्रदेश में सार्वजनिक जगह पर मास्क पहना अनिवार्य किया गया है, लेकिन इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित नहीं हो रहा है। कुल्लू के आनी में लगातार बारिश, पुराने बस स्टैंड पर बनी दुकानें खड्ड में बही, खाली कराए मकान। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के आनी में रात करीब 12 बजे से हुई लगातार भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते आनी के खड्डों का जलस्तर बढ़ने से खड्ड उफान पर हो गई है। इस वजह से खड्ड किनारे के मकान खाली करवाए गए हैं। वहीं बस स्टैंड आनी में बने बरसों पुराने रेड़ी फड़ी की करीब 10 दुकानें ताश के पत्तों की तरह खड्ड में ढह गई। वहीं इसके अलावा आनी से 6 किलोमीटर दूर गुगरा में देवठी में हुई भारी बारिश से 3 गाड़ियां और 1 बाइक पानी की चपेट में बहने की सूचना है।